नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि वैसे तो दुनिया भर की बातें हम दिन में सुनते रहते हैं किसी न किसी शेयर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं फिर सोचते हैं कि कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई चलो ठीक है न्यूज़ भी आ रही है तो हम क्या है कि इस कंपनी के शेयर के अंदर जो है पैसा लगाते हैं और हमारा जो पैसा है वो बनने की संभावना है दोस्तों क्या है कि बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो प्री प्लान करके रख लेते हैं कि चलो ठीक है एक महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ सोचते हैं कि दो महीने के लिए जो है प्लान करते हैं कुछ सोचते हैं चलो ठीक है लंबा खेला जाएगा और जो है टेस्ट मैच खेलते हैं तो वही सारी चीज़ें हैं फिलहाल में क्या है कि इस कंपनी को अगर आप बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे तो शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जो है भूल नहीं पाएंगे इस कंपनी को कितनी बेहतरीन कंपनी है और जिस तरीके का बिज़नेस फ़िलहाल में हम लोगों को इसका चलता हुआ नज़र आ रहा है तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के जो चार्ट पैटर्न बनते हुए नज़र आए वो काफ़ी बेहतरीन बनते हुए नज़र आए अगर आप देखें तो लगभग छह परसेंट से ज़्यादा की आपको दिन के मूवमेंट में तेजी देखने को मिली है कितनी भयंकर आपको तेजी देखने को मिली आठ सौ तेरह रुपये का स्टॉक्स जो है आपको जो है उसके अंदर बढ़त देखने को मिली है तो दोस्तों क्या है कि एक न्यूज़ आई है और उस न्यूज़ के बाद में जो है हमें इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिला है हो सकता है कि अब आगे भी जो है हमें इफेक्ट देखने को मिले क्योंकि न्यूज़ जो आई है वो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है और जब बिजनेस के अंदर हमें बढ़त देखने को मिलेगी तो मुनाफा होगा मुनाफा होगा तो क्वार्टरली रिजल्ट में शो होगा तो सारी चीज़ें क्या होगी स्ट्रांगनेस देखिए हर बार क्या होता है कि कंपनी के अंदर जब भी हम लोगों को कंपनी के नंबर्स दिखाई देते हैं तो आप क्या देखते हैं कि कंपनी के अंदर जो है हम लोगों को बाइंग और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है तो अब आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि Q4 के नंबर से पहले अच्छा खासा रिएक्शन आपको कंपनी के बिजनेस में वैसे भी देखने को मिलने वाला है तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट के जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके का ये शेयर्स है नीचे की प्राइस मूवमेंट अब बात करें तो पांच दिन में लगभग आठ परसेंट से ज्यादा के आपको पॉजिटिव रिटर्न जो है देखने को मिल चुके हैं बात करें अगर एक महीने में किस तरीके की, की चाल देखने को मिली थी तो दोस्तों देखिए लगभग आपको ग्यारह हज़ार के आसपास ये काम करता हुआ नज़र आ रहा था और वहाँ से लेके अब तक की अगर बात करें तो लगभग अठारह परसेंट के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल चुके हैं अब बात करते हैं चलो पीछे चलते हैं थोड़ा सा छः महीने पहले किस तरीके की स्थिति थी, थी तो लगभग छः महीने में वन के वन बहुत मायने रखते हैं सोचिए दोस्तों एक परसेंट के पॉजिटिव रिटर्न्स मात्र छः महीने में कमा के दिए हैं तो कहने का मतलब ये है कि कोरोना वायरस के टाइम में जो गिरावट हुई थी उसके बाद में जो है जिस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिला है तो काफ़ी काबिल तारीफ अभी कहा जा सकता है अब बात करते हैं कि एट ए डेट से अब तक किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है तो दो परसेंट से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न्स पिछले पाँच साल में क्या खेल खेला है तो देखिए लगभग 408 परसेंट के पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ में बरकरार है अब थोड़ा पीछे चलते हैं देखते हैं कि कंपनी कितनी पुरानी है तो लगभग 2017 के आसपास ये कंपनी आती हुई नज़र आई थी तो तब से लेके अब तक लगातार बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है लगभग चार से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल चुके हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि रिटर्न्स तो हमने देख लिए हैं चलो ठीक है पैसा बन रहा है अच्छा खासा और स्टॉक्स जो है देखते ही देखते हम लोगों को दस हज़ार देखिए दस हज़ार प्राइस मोमेंटम देखने को मिला है दस हज़ार की बढ़त देखने को मिली है तो अब क्या बिजनेस के अंदर भी हम लोगों को इसी तरीके से इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है अगर बिजनेस भी लगातार स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है सोचने वाली बात है कि दो में ये कंपनी एन एस सी बी एस सी के अंदर लिस्टेड हुई थी और तब से लेकर अब तक 408 परसेंट के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल चुके हैं तो अगर बिजनेस के अंदर हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही तो फिर आगे ये स्टॉक्स जो आपको और भी ऊपर जाता हुआ डेफिनेटली जो है नजर आने वाला है फिलहाल में दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे उस न्यूज़ के बारे में और फिर फंडामेंटल एनालिसिस के जानने के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टॉक्स के अंदर कितना दम हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक साल दो साल के अंदर क्या ये यह यहाँ से भी पचास परसेंट के रिटर्न दे सकता है तो दोस्तों तो बात कर लेते हैं उस न्यूज़ के बारे में जिसकी वजह से इतना भयंकर मोमेंट हमें देखने को मिला है तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक सहायक कंपनी है पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स और वो क्या काम करती है वो काम करती है जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं उनके प्रोडक्ट जो है बनाती है तो उन्होंने क्या काम किया है एक कंपनी है मोटरोला उसके साथ में जो है इन्होंने लिंकअप किया है तो क्या है कि लिंकअप किया है समझौता किया है उसके बाद में क्या है कि अब इनको इनके बिज़नेस को जो है हम लोगों को मजबूती देखने को मिलने वाली है फिलहाल में दोस्तों अगर पूरी खबर पढ़ना चाहें तो डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि इस ख़बर के अंदर हम लोगों को क्या निकल के आ रहा है तो इन इन्होंने यही बताया है कि एक इनकी सब्सिडरी कंपनी है पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स और पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स सब्सिडरी कंपनी है और उसके साथ में जो है मोटरोला जो स्मार्टफोन्स uh, की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके साथ में एक समझौता किया है तो फिलहाल में क्या है कि ये कंपनी नोएडा के अंदर स्थित है तो ये पूरी डिटेल जो है इन्होंने यहाँ पे दी हुई है तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो है निकल के आई है और अब अच्छा खासा मोमेंटम आपको बिजनेस के अंदर ग्रोथ होता हुआ देखने को मिलने वाला है दोस्तों बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स एनालिसिस के बारे में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से लगातार हमें स्टॉक्स के अंदर उछाल देखने को मिला ऊपर से जो है बढ़िया न्यूज़ जो है निकल के आई तो अब अगर फंडामेंटल्स भी अच्छे हुए तो हमें जो है सुविधा हो जाएगी कि हम कंपनी के अंदर जो है अगर फ्रेश एंट्री लें तो फिर हम आसानी से जो है इसे सेलेक्ट कर सकते हैं मार्केट कैप की स्थिति लगभग पंद्रह करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है तो अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो मार्केट कैप कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है आप देखें फ़ेस वैल्यू शेयर्स तो लगभग दस रुपये फ़ेस वैल्यू का शेयर्स है और अगर बात करें कैश की तो लगभग सत्तानवे करोड़ के आसपास फ़िलहाल में जो है कैश देखने को मिल रहा है आपने चार्ट पैटर्न देख लिया है अच्छा खासा मोमेंटम आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला है बात करें दोस्तों अदर कंपनियों के बारे में पीयर कंपेरिजन्स में जिस तरीके से ये दूसरे नंबर पे कंपनी आती है लगभग पंद्रह हज़ार आठ सौ छब्बीस करोड़ का मार्केट कैप है इससे पहले अगर बात करें तो हनीवेल ऑटोमेशंस लगभग तैंतीस करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है अब दोस्तों सबसे पॉजिटिव चीज़ जो इस कंपनी के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रही है तो बारी बारी से करके अगर जानने की कोशिश करें तो सेल्स ग्रोथ देखिए लगातार जो है सेल्स ग्रोथ आपको बढ़त देखने को मिल रही है आप चार्ट पैटर्न देखने मात्र से ही समझ जाएंगे तो पाँच साल में लगभग छब्बीस परसेंट के आसपास ग्रोथ होती हुई नजर आई तीन साल में तीस परसेंट एक साल में फोर्टी फाइव परसेंट से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है अब बात करें प्रॉफिट के अंदर हम लोगों को किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है तो चौंसठ परसेंट के आसपास पिछले पाँच सालों में तीन सालों की बात करें तो लगभग छत्तीस परसेंट से ज़्यादा एक साल की बात करें तो लगभग नाइन्टी सिक्स परसेंट से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है अब रिटर्न्स की किस तरीके की स्थिति है तो लगभग पिछले पाँच साल में तेईस परसेंट से ज़्यादा के रिटर्न्स तीन साल में लगभग इक्कीस परसेंट से ज़्यादा के रिटर्न्स एक साल की बात करें तो लगभग ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज़्यादा के रिटर्न्स देखने को मिले हैं आर ओ सी ई की स्थिति लगभग ट्वेंटी नाइन परसेंट्स पॉजिटिव देखने को मिल रही है तीन साल की बात करें तो लगभग थर्टी परसेंट से ज़्यादा एक साल की बात करें तो लगभग थर्टी थ्री परसेंट से ज़्यादा की हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही है अब दोस्तों देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग थर्टी सिक्स परसेंट से ज़्यादा देखने को मिल रही है पब्लिक की हिस्सेदारी लगभग थर्टी परसेंट के आसपास देखने को मिल रही है डी की स्थिति लगभग ट्वेंटी टू परसेंट से ज़्यादा एफ की स्थिति लगभग टेन परसेंट से ज़्यादा की होल्डिंग बनाए हुए फिलहाल में अगर पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करेंगे तो कोई प्लेज होल्डिंग फ़िलहाल में हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है तो काफ़ी अच्छी जो है अभी तक फिलहाल में हमें देखने को मिल रहे हैं इसके सारे पैरामीटर्स अगर क्वार्टरली रिजल्ट को ऑब्जर्व करने की, 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 की कोशिश करेंगे तो चौंक जाएंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखिए जून 2020 में लगभग चार करोड़ के आसपास आपको सेल्स होती हुई नज़र आई अगर सितंबर 2020 की देखें तो लगभग चौदह करोड़ के आसपास कहने का मतलब ये है कि लगभग तीन गुना तीन गुने से भी ज़्यादा आपको सेल्स ग्रोथ के अंदर जो है कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है मार्च 2020 की देखें तो लगभग सात करोड़ के आसपास दिसंबर 2019 की देखें तो लगभग 808 करोड़ के आसपास चलो एक साल पीछे चलते हैं देखते हैं कि स्थिति किस तरीके की थी तो लगभग एक हज़ार एक सौ चौंसठ करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है तब भी हम लोगों को बेटर देखने को मिल रही है तो फिलहाल क्या है कि पॉजिटिव साइड में आपको इसका बिजनेस जाता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार जो है मजबूती इसके बिजनेस के अंदर देखने को मिल रही है सारे पैरामीटर्स जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं तो अच्छा खासा मोमेंटम अब आगे आने वाले दिनों के अंदर हमें शेयर के अंदर देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों वो आपने कहावत सुनी होगी सोने पर सुहागा तो अब क्या है कि डिविडेंड भी हम लोगों को साथ के साथ में प्रोवाइड करा रही है तो देखिए मार्च 2020 में डिविडेंड प्रोवाइड कराया गया लगभग 40 परसेंट के आसपास और 2019 के अंदर भी प्रोवाइड किया 20 परसेंट के आसपास 2018 के अंदर प्रोवाइड किया 20 परसेंट के आसपास तो अगर बोनस शेयर्स के बारे में बात करने की कोशिश करें तो कोई बोनस शेयर हम लोगों को प्रोवाइड कराए हैं या नहीं है तो कोई बोनस शेयर नहीं है राइट्स इशू कोई नहीं आया है स्प्लिट शेयर नहीं हुआ है तो दोस्तों अगर खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ख़रीदारी कर सकते हैं बट आपको थोड़ा सा एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि शेयर्स में आप कितने भी ऊपर लेवल पर आप ख़रीद लीजिए बट अगर उसके अंदर हम लोगों को गिरावट होती हुई नजर आए शॉर्ट टर्म के अंदर या फिर लॉन्ग टर्म के अंदर तब हम जो है किस तरीके से निकल पाएंगे या फिर हम किस तरीके से उसका फ़ायदा उठा पाएंगे ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपके शेयर्स कम होंगे कहने का मतलब ये कि अगर आप हंड्रेड रुपीज़ जो है लगाना चाहते हैं तो आप ये सोचिएगा कि बस मुझे उसमें दस ही रुपये लगाने हैं तब क्या है कि आपको ये जो बाकी के नाइनटी रुपीज़ हैं ये आपको हर गिरावट के लिए बचा के रखने तो यही सारी चीज़ें हैं फिलहाल में काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं काफ़ी अच्छे है रिटर्न जो आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके लेना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग